बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। मैं नहीं जानती निधि को। हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है खेलने। मैंने नहीं देखा निधि को। सबसे पहले बात कंजावला केस की, जहां 5 दिन बाद भी ये गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिख रही। कंजावला केस में अब अंजलि के परिवार वर्सेस सहेली निधि के बीच आ गई है बात। आज निधि की मां सामने आई और उन्होंने दावा किया कि अंजलि का परिवार बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। इसी बीच कंजावला केस से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी में घटना के बाद आरोपी अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए दिखाई दिए हैं। कार मालिक को कार देने के बाद आरोपी वहीं खड़े ऑटो से फरार हो गए थे। दावा है कि आरोपियों ने हादसे के बाद कार मालिक को पहले ही फोन करके दे दी थी। पुलिस ने इस कार को अगले सुबह यानी 1 जनवरी को बरामद कर लिया था, लेकिन इसमें अब एक्यूज्ड एक और जुड़ गए हैं। 5 की जगह 6 हो गए हैं। 2 अन्य जिनकी गाड़ी थी, जिनको पता था कि हादसा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां आरोपियों ने गाड़ी पार्क कर गाड़ी ओनर को दे दी। आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ी यहाँ आई है और इस गाड़ी के यहाँ डैमेज दिख रहा है, लेकिन फटाफट जल्द से जल्दबाजी में ये लोग आकर अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं। यहाँ ये 2-3 लोग सामने खड़े हुए हैं जो गाड़ी के ओनर्स हैं, वो चुपचाप गाड़ी के लिए यहाँ खड़े हैं। और फिर जैसे ही ये आरोपी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ये गाड़ी का एक मुआयना होता है, चक्कर मार कर घूम कर गाड़ी का मुआयना होता है। ये चाबी दे देते हैं और सामने खड़े एक ऑटो में ये लड़के फरार हो जाते हैं। ये सारे, इनको दरिंदा ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि भले ही पुलिस कुछ भी कहे, जितने तथ्य जितने साक्ष्य सामने आए हैं वो यही कहते हैं कि इनको मालूम था कि अंजलि इनकी गाड़ी के नीचे फंसी है, फिर भी वो उसको घसीटते रहे। 12 किलोमीटर घसीटा उसको, टक्कर मारी, उसके बाद नहीं रुके, गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स किया। ये निधि ने खुद कहा है कि मैंने देखा कि उन्होंने गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स की। यहां पर भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लोग यहां खड़े हैं, इस गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं। मानो इन्हें पता था कि ये गाड़ी यहां आकर रुकेगी, इसे पार्क किया जाएगा, इसके अंदर से जो आरोपी हैं गाड़ी चलाने वाले वो सब गाड़ी से बाहर निकलेंगे और फिर वहां से फरार हो जाएंगे। अब कंजावला केस में पुलिस ने 1 जनवरी को जिस पार्किंग से आरोपियों की कार को बरामद किया था, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। रोहिणी सेक्टर 1 DDA पार्क की है, वही पार्किंग है जहां पर कि जो आरोपी थे उन्होंने जब अंजलि की स्कूटी एक्सीडेंट कर दिया और उसके बाद जब कंजावला में उसकी बॉडी जब गिरी गाड़ी से, उसके बाद वो करीबन 4:51 पर आशुतोष के घर आने से पहले यहीं पर जो पार्किंग है DDA पार्क की, यहां पर वो बलेनो गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद आशुतोष के घर D524 में वो चाबी देने चले जाते हैं। और वहां पर दीपक और अमित खन्ना बताते हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा और उनकी गाड़ी से लड़की की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है। सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है जिसमें समय करीबन 6:30 से ज़्यादा का बताया जा रहा है जब यहां से जो गाड़ी है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। हालांकि FIR में गाड़ी बरामद करने का समय कुछ और बताया जा रहा है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। पुलिस ने जो मोबाइल और टेक्निकल सर्विलांस है उनके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करी है और इस पूरे मामले में प्रोफेशनल तरीके से जो है पुलिस है वो अपनी जांच कर रही है। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आए उसमें जो वक्त नजर आ रहा था वो 6:55 के आसपास का नजर आ रहा है जब वो गाड़ी यहाँ पर पार्क नजर आ रही है, उसे पुलिस रिकवर करती है। और जो आशुतोष है वो फिलहाल घर पे नहीं है, वो लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल इसी रोड का है, उसमें एक शख्स गाड़ी से उतरता नजर आ रहा है, वो शख्स कौन है पार्क करने के बाद ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है उनमें से, आरोपियों में से। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। बारे में आपको टाइमलाइन बता दूं,
आइए समझते हैं कि हुआ क्या। सीसीटीवी टाइम कोड पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता क्योंकि टाइम कोड ऊपर नीचे हो सकते हैं, और इसलिए अब दिल्ली पुलिस सारे आरोपियों की, चश्मदीद की और विक्टिम के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के जरिए उनके लोकेशंस को आइसोलेट करने की बात कर रही है। अब जिस कार के मालिक आशुतोष को पुलिस ने नया आरोपी बनाया है, न्यूज 18 इंडिया की टीम उसके घर पहुंची जहां हमारी टीम को आशुतोष का घर बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि आशुतोष वारदात के बाद गायब है। इस वक्त हम रोहिणी सेक्टर 1 डीडीए पार्क के D524 जो सेकंड फ्लोर पर घर है इसके नीचे खड़े हुए हैं। ये घर आशुतोष नाम के शख्स का है। आशुतोष वो शख्स है जिसका एक रिश्तेदार है लोकेश, जिसकी वो गाड़ी थी बेलोनो। आशुतोष ने अपने दो साथी जो है दीपक खन्ना और अमित खन्ना को ये गाड़ी 31 दिसंबर को शाम 7 बजे दी थी, जो बलेनो गाड़ी है, और उसके बाद उसमें वो तमाम पांचों आरोपी जो थे जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट अंजलि की स्कूटी से होता है। आशुतोष ने FIR में जो लिखा हुआ है, आशुतोष ने बताया कि जो दीपक और अमित खन्ना जब सुबह वापस यहाँ पर चाबी देने आते हैं तो वो आशुतोष को बताते हैं कि उनकी गाड़ी से एक लड़की की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है, और उसके बाद वो करीबन सुबह 4:51 पर आशुतोष को चाबी देकर जाते हैं, और उसके बाद करीबन 6:05 के आसपास जो है वो दिल्ली पुलिस पार्किंग से, जो इस डीडीए पार्क की पार्किंग है, वहां से उस बलूनो गाड़ी को बरामद कर लेती है। आशुतोष लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। आशुतोष से 31 तारीख को शाम 7 बजे जो 5 में से 2 आरोपी हैं वो गाड़ी लेकर जाते हैं, और उसके बाद वो पूरा कंझावला घटनाक्रम होता है जिस तरह से लड़की की दर्दनाक मौत होती है। और आशुतोष फिलहाल यहाँ पर नहीं है, उसके घर में कोई भी शख्स नहीं है। हमने एक यहाँ पर पड़ोसी उनसे बात की, उनका कहना है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस कल भी यहाँ पर पहुंची हुई थी, और जो आसपास का पूरा इलाका है उसका मुआयना जो है पुलिस ने किया है, कई CCTV फुटेज जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। से आशुतोष गायब है लेकिन वो दिल्ली पुलिस के टच में है, ऐसा कह रहे हैं आनंद तिवारी। अब इस पूरी वारदात की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको समझ आएगा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की के दरमियानी रात आखिर हुआ क्या था, ये पूरा सीक्वेंस क्या है, कैसे कार से स्कूटर की टक्कर हुई, अंजलि को कार से घसीटा गया और फिर आरोपी मौके से फरार हुए। देखिए, सबसे पहले उस रात आरोपी दीपक ने अपने दोस्त आशुतोष से कार ली, यानी जिस कार से घटना हुई वो कार आरोपी के दोस्त आशुतोष की थी। तो आरोपी दीपक ने अपने दोस्त आशुतोष से कार तो ले ली, उसके बाद आशुतोष से कार लेने के बाद दीपक ने अपने 4 और दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी की। आरोपियों ने खूब शराब पी, कारोबार चल रहा था इनका। इसके बाद उसी रात को उसी कार से अंजलि के स्कूटर की टक्कर होती है। रात के वक्त स्कूटर के साथ कार की टक्कर हुई। टक्कर के बाद अंजलि कार में कई किलोमीटर तक घिसटती रही। इन आरोपियों को पता था, यही आरोप है कि इन्हें पता था कि इस कार से एक व्यक्ति की का शरीर लगा हुआ है, उसको रौंदते हुए उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते रहे। 12 किलोमीटर तक इन्होंने गाड़ी चलाई। इस घटना के बाद आरोपियों ने कंजावला में बॉडी छोड़ने के बाद वहां से कार लेकर वो भाग निकले। तो ये अगली बात हुई जहां किसी तरह से वो बॉडी उससे छूट गई, गाड़ी से निकली और ये फिर फरार हुए। फिर घटना के बाद दीपक ने एक्सीडेंट की जानकारी आशुतोष को दी, आशुतोष यानी कार का मालिक, और ये रोहिणी सेक्टर 1 डी ब्लॉक पहुंचे। इसके बाद आरोपी कार से वहां पहुंचे। यहां आशुतोष के घर से कुछ आरोपी ऑटो लेकर भाग निकले। उन्होंने गाड़ी वहां पार्क की, चाबी आशुतोष के घर में उसके हाथ में थी जब वो गाड़ी पार्क कर रहे थे। वहां भी 3-4 लोग खड़े हुए आपको दिख रहे हैं। इसके बाद रोहिणी सेक्टर 1 की DDA पार्किंग में उस कार को पार्क कर दिया गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि कार किसने पार्क की, आशुतोष ने या फिर आरोपियों में से किसी एक ने। इसके बाद जब पुलिस की वारदात से को जानकारी मिली तब उसने कार को पार्किंग से रिकवर किया। लेकिन जब से वो कार वहां खड़ी हुई है तब से आशुतोष को जब से वो गाड़ी की चाबी दी गई है तब से आशुतोष वहां से गायब है, उसके घर से वो नहीं मिल रहा है। यही इस वक्त का ये पूरा टाइमलाइन है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, कई सारे पेज हैं और ये केस धीरे धीरे उलझता हुआ दिख रहा है, आपके पीछे क्या हलचल हो रही है? आपने आशुतोष के पड़ोसियों से भी बात की, सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाड़ी को पार्क करने वाला कौन था? वो चारों आरोपी थे,
क्योंकि उस गाड़ी के इर्द गिर्द चार पांच लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चार पांच लोग कौन थे जो उस गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हुए थे जब वो गाड़ी पार्क हो रही थी, और गाड़ी का फ्रंट का डैमेज दिख रहा है लेफ्ट साइड में? जी देखिए आनंद, इस वक्त हम जो आशुतोष है उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं, डी 524 सेकंड फ्लोर पे। आशुतोष यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहता था, जो यहाँ पे आसपास की जो महिलाएं उन्होंने बताया है। और देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते चलते हैं कि कहाँ पर वो गाड़ी पार्क हुई थी, बलोनो गाड़ी, जो सुबह सुबह आरोपी जिसमें दीपक खन्ना, अमित खन्ना और एक और शख्स है जो उस गाड़ी को लेकर यहाँ पर आते हैं, वो आशुतोष को फोन करके पहले ही बता देते हैं कि उन्होंने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया। और उसके बाद देखिए बस यहाँ से हम जैसे ही राइट टर्न लेंगे आनंद, उसके बाद वो जगह है जहाँ पर कि वो बलोनो गाड़ी सीसीटीवी में नजर आ रही है, जिसे करीबन 6:15 बजे दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया था। और उसके बाद आशुतोष की निशानदेही पर ही जो आरोपी है उनकी पहचान सुनिश्चित की गई और उनकी गिरफ्तारी की गई। आशुतोष का इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि आरोपियों ने उससे बताया कि किस तरह से उन्होंने शराब पी थी और उसके बाद उन्होंने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया। देखिए हम ये रोड पे आ गए हैं, बिल्कुल यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे आनंद वो स्पॉट है जहाँ पर बलोनो गाड़ी को सुबह करीबन 4:50 पे आरोपी जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पे बलोनो गाड़ी लाते हैं, यहाँ पर कुछ ऑटो खड़े रहते हैं, और उसके बाद तीन लोग जो है उसमें से एक शख्स जो है वो गाड़ी से उतरता है। बताया जा रहा है कि ऑटो से बाकी दो आरोपी हैं वो पीछे गाड़ी के पास आते हैं, और उसके बाद पांचों लोग जो है वो ऑटो हायर करके यहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस इस थ्योरी पे भी लगातार जांच कर रही है कि गाड़ी कौन शख्स चला रहा था। देखिए ये जो आप खंभा देख रहे हैं, बिल्कुल यहीं पर मेरे कैमरामैन विकास ठाकुर दिखाएंगे, ये वो पार्किंग है आनंद जहां पर की गाड़ी पार्क हुई थी, और इस टर्न से जहां पर एक फल की रेहड़ी लगी हुई है, इसी टर्न से गाड़ी बलोनो गाड़ी जो है वो कंजाबला से एक्सीडेंट करके लड़की को उसका जो बॉडी थी वहां पर जब डंप हुई तो उन्होंने यहीं पे आके गाड़ी पार्क करी, और यहां से ऑटो लेके सभी आरोपी जो है वो फरार हो जाते हैं। जी इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस सीसीटीवी में सफेद शर्ट पहनकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है जो कि उस गाड़ी के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे कि वो उन आरोपियों को जानता है। वो व्यक्ति कौन है जो सफेद शर्ट में खड़ा है जब ये गाड़ी पार्क हो रही है, और इसमें से आप देख रहे हैं तीन दो पीछे से निकल रहे हैं आरोपी और एक व्यक्ति गाड़ी से आगे निकलता है। ये फ्रंट लेफ्ट साइड से भी एक और आरोपी निकला, एक और व्यक्ति निकला है, तो तीन लोग निकले हैं, कोई डिक्की से पीछे से कुछ निकालने का सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक और व्यक्ति आपको व्हाइट टी शर्ट में दिखता है। ये सब कौन लोग हैं इनकी भी शिनाख्त होना आवश्यक है, ये डिटेल्स अब तक पुलिस ने नहीं सामने की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कंजावला केस मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है कि जिस होटल में कमरा नंबर 104 बुक कराया गया था वो अंजलि ने नहीं बल्कि निधि ने बुक कराया था। यही अंजलि का परिवार भी कहता है कि निधि के कहने पर अंजलि वहां गई थी, होटल में भी जो बुकिंग हुई है वो निधि के नाम पर हुई है, और होटल के कमरे की बुकिंग 800 रुपये में की गई थी। दिल्ली पुलिस को होटल के रजिस्टर से ये जानकारी मिली है। हालांकि होटल में जो वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि दो लड़कियां आई, हमने आइडेंटिटी कार्ड लिया, लेकिन रूम हमने बुक किया, लेकिन रूम बुक जो हुआ है वो निधि के नाम से हुआ है। यही अंजलि का परिवार भी बार बार कह रहा था कि अंजलि निधि के कहने पर वहां पहुंची है। उन्होंने और भी संगीन आरोप लगाए हैं। इस वक्त ताजा तस्वीरों पर चलते हैं। यहाँ अखाड़ा में जावेद मंसूरी वहां मौजूद हैं, जहां अंजलि का परिवार ये मांग कर रहा है सुल्तानपुरी पुलिस थाने में के बाहर धरने पे बैठ गया है, और ये लाइव तस्वीरें हैं जहां परिवार का कहना है कि FIR में दफा 302 आप ऐड करें, बावजूद इसके कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलता, जब तक ये साबित नहीं होता कि ये मर्डर है, 302 की धारा नहीं लगाई जा सकती। अब तक 304A के तहत इस केस को किया गया है, जहां परिवार का कहना है कि अंजलि के साथ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो वहां पर किया गया, जो कृत्य इन चार आरोपियों ने किया वो मर्डर है, खून है, क्योंकि उन्हें पता था कि अंजलि उस गाड़ी में फंसी है, उससे सटी है, उसके चैसी से उसकी। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद, परिवार ने अब धरना कर दिया है, वहां पर पुलिस थाने के बाहर बैठी है, 3-4 दिन से वो सुल्तानपुरी थाने में ये आग्रह किए जा रहे हैं कि FIR में धारा 302 ऐड की जाए। देखिए परिवार ने प्रोटेस्ट मार्च किया, और अब सुल्तानपुरी थाने के बाहर परिवार
धरने पर बैठ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि शुरुआत में, इस घटना के शुरुआत में भी हमने देखा था कि परिवार ने प्रोटेस्ट किया, और अब एक बार फिर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार की महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हैं, सड़क पर बैठी हैं। आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, और देखिए जो सुल्तानपुरी थाने के आसपास के बाहर की तस्वीरें हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, जो पूरा सड़क है वो जाम यहाँ पर हो गया है, और पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो यहाँ सड़क पर बैठ गई हैं। आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? फांसी देना चाहिए। देखिए ये महिलाएं हैं जो फांसी देने की मांग कर रही है, और देखिए जो घर की, घर और आस पास पड़ोस की महिलाएं हैं वो यहाँ सड़क पर हैं, और थाने के ठीक बाहर जावेद आप उनसे पूछिए, वहाँ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हैं, उनसे पूछिए। पुलिस का कहना है कि 302 मर्डर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो साक्ष्य के बिना धारा कैसे लगा दें? भूपेंद्र चौरसिया की बात दिख रहे हैं, उनसे भी पूछिए। परिवार की अपनी दलीलें हैं, परिवार की अपनी दलीलें हैं कि वो 302 क्यों लगवाना चाहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो परिवार उनको लेकर सवाल उठा रहा है, हम पूछेंगे। ये और मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस ने, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, भूपेंद्र चौरसिया से हम पूछेंगे, लेकिन स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो थाने के बाहर जमा है, एक बार ट्रैफिक की व्यवस्था भी दिखा दीजिए, किस तरह से जो ट्रैफिक बाधित हो गया है वो तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से थाने के बाहर यहाँ। इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है, तो जहां अंजलि का परिवार धरने पे बैठा है सुल्तानपुरी थाने के सामने, ये एक मांग कर रहा है कि फांसी लगाई जाए इन आरोपियों को, 302 की धारा ऐड की जाए एफआईआर में। वहीं कंजावला केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है, अभी तक की जांच में 2 और लोगों को आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों को आरोपियों की मदद करने के लिए आरोपी अब बनाया गया है। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं, और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं, और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं, और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है, और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं, उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है, उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, उनके इन्फॉर्मेशन के आधार पर नई नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। एक बात साफ है, निधि ने चाहे जो भी बयान दिए हो, निधि बनाम अंजलि जो भी परिस्थिति बन रही हो, लेकिन निधि ने एक बात कही कि उसने अंजलि को चीखते पुकारते बचाओ बचाओ कहते हुए सुना, ये आरोपी गाड़ी को फॉरवर्ड करते हैं, रिवर्स करते हैं, 2-3 बार करते हैं और फिर गाड़ी भगा के ले जाते हैं। निधि ने यह भी कहा कि अगर मैं गाड़ी के सामने आती तो वो मुझे भी कुचल देते, तो ऐसे में क्या इन आरोपियों का अपराध और संगीन नहीं हो जाता, ये प्रश्न बनता है। और इस केस में पुलिस ने जो जांच की है उसके बाद पुलिस की जो 10 थ्योरी है उसे भी अब समझना जरूरी है। पुलिस ने आज बताया कि इस केस में अंजलि ना तो आरोपियों को जानती थी और ना आरोपी अंजलि को जानते थे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि घटना के वक्त अंजलि के नशे में होने वाले दावे पर पुलिस ने कहा कि शराब की पुष्टि तभी होगी जब अंजलि की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी विसेरा रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो ये एक और बात सामने आती है कि शराब की पुष्टि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की बात नहीं कही गई है, लेकिन अल्कोहल का कंटेंट है ये नहीं, ये विसेरा रिपोर्ट में आता है। यानी तब तक ना तो नशे की थ्योरी से पुलिस इनकार कर रही है और ना ही पुष्टि। सबसे बड़ी बात पुलिस ने आज ये बताई कि इस वारदात में कुल 7 आरोपी हैं, 2 आरोपियों के नाम गिनाए गए हैं, आशुतोष का नाम भी इंक्लूडेड है, क्योंकि अबेटमेंट मदद करने के लिए, यानी 5 पहले से थे और अब इस मामले में 2 आरोपियों की एंट्री हुई है। पुलिस के मुताबिक इस केस से जुड़े सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई है, एविडेंस को टेंपर करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जांच पर असर पड़ा है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त गाड़ी अमित चला रहा था, तो चालक जो था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन दीपक का नाम आरोपियों ने इसलिए सामने किया क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
इसलिए दीपक के घटना के वक्त ड्राइवर के तौर पर पेश किया गया था। तो यानी ये आरोपी इतने शातिर हैं कि इन्होंने प्लानिंग की, जिसकी गाड़ी थी उसको फोन करके बोला भाई हमने किसी को मार दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, फिर ये भी कहा कि पुलिस को बताना कि तू गाड़ी चला रहा था क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। ये सब तथ्य अब सामने आ रहे हैं। अगली बड़ी बात, पुलिस ने यह बात आई कि अंजलि के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। यह पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि अंजलि के साथ किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। अंजलि की सहेली निधि के बयानों पर पुलिस ने कहा कि निधि की मानसिक स्थिति का आकलन किया जाएगा कि वो शॉक में है, क्या वो सेंस में थी। उससे उसके जितने बयान आए हैं कई बार कॉन्ट्रेडिक्टरी आ रहे हैं, पर पुलिस कहती है कि अंजलि चश्मदीद है। अंजलि का माफी चाहता हूं, निधि चश्मदीद है। अंजलि का परिवार केस में हत्या के केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। इस पर पुलिस ने कहा कि हत्या का केस लगाने के लिए का ये कानूनी मसला है और इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। अभी तक जितना एविडेंस आया है, सीसीटीवी या नहीं, कहीं ये साक्ष्य नहीं दिख रहा कि ये मर्डर है। हाँ, निधि का बयान है, हाँ ये बात है कि 12 किलोमीटर तक एक इंसान को घसीटती हुई जा रही है और चालक को पता नहीं ऐसा हो सकता है कि ना, इसलिए कहा कि ये कानूनी मसला है, लीगल एस्पेक्ट है, कोर्ट कहेगी तो हम ऐड करेंगे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, यानी ये आरोपी कुछ बातें छुपा रहे हैं और इनकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही, वर्जन अलग अलग हैं। हमें भूलना नहीं है कि इसमें दरिंदे वो हैं जो गाड़ी के अंदर थे और उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर अब 7 आरोपी हैं। कंजावला केस अब अंजलि के परिवार वर्सेस सहेली निधि के बीच भी आ गई है। आज निधि की मां सामने आई और उन्होंने दावा किया कि अंजलि का परिवार बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, निधि की मां अपनी बेटी को बेकसूर बता रही है। इससे पहले कल अंजलि के परिवार ने, अंजलि की मां ने ही मीडिया के सामने आई और उन्होंने अंजलि की दोस्त निधि के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।